असलम स्टूडेंट्स virtual यूनिवर्सिटी में शामदीद आप देख रहे हैं वी कानपुर चैनल और आज की जो वीडियो है वो क्लासेस के हाले से है जैसा कि आप जानते हैं कि स्प्रिंग 2024 ट्वेंटी क्लास आज से स्टार्ट हो चुकी है और इसमें दो चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे क्लास कैसे लेनी है और हाज़री किस तरह होगी आपकी दो चीज़ दो टॉपिक कवर करेंगे इन इस वीडियो में बाकी मज़दीद जो बातें होंगी एल एम एस के हवाले से वो अलग अलग वीडियोज़ की शेप में आपके साथ शेयर कर लेंगे तो स्टार्ट करने से पहले आप लाजमी शेयर सब्सक्राइब कर लें चैनल को जो बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं ताकि जो अगली वीडियोस है वो भी आप तक आ जाए और वो इसी सूरत में आएगी जब आप सब्सक्राइब करके आ, जो बेल आइकॉन बटन है उसको भी प्रेस कर लेते हैं और इसके अलावा आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं व्हाट्सएप के ऊपर भी आप कॉन्टैक्ट करते हैं तो हमारी कोशिश होती है जैसे ही आ, टाइम अवेलेबल होता है आपके आपके जो क्यूरीज़ हैं उसका रिप्लाई कर दिया जाए अगर मसरूफ़ीत की वजह से किसी का कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं हो पाता तो काइंडली रिमाइंडर सेंड कर दिया करें दोबारा से तो इन जो भी मसला होगा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और चलें वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और जो सीधा सिंपल सिंपल है हमने अपना एल ओपन करना है और जैसे ही एल एम ओपन करें तो आपके होम पेज के ऊपर ये होम पेज है ये यहाँ पे देखें तो ये होम पेज है और इसके ऊपर जो सब्जेक्ट की सिलेक्शन की गई है स्टूडेंट ने पढ़ने के लिए वो यहाँ पे शो होंगे इस तरह तो अगर आपके एल के ऊपर होम पेज के ऊपर इस तरह का इंटरफेस अभी तक नहीं आ रहा ईमेल वेरिफिकेशन वगैरह की आ रही तो फ़ौरी तौर पर उसको एक्टिवेट करें अपने एल को ताकि आपकी कोर्स सिलेक्शन के बाद आप यहाँ पर आ जाएँ कोर्स सिलेक्शन की जो डेट है वो चल रही है दस अप्रैल तक और इसके बाद कोर्स सिलेक्शन क्लोज़ हो जाएगी और जो भी आपके होम पेज के ऊपर सब्जेक्ट होगा वही आपको पढ़ना पड़ेगा इसलिए अगर कोर्स सिलेक्शन अभी तक नहीं की हुई तो यहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी आप आ, उसको देख के कोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं और आ, हम जो हमारा आज का टॉपिक है उसको कवर करते हैं जैसे ही आप पहले मैं ओपन करते हैं तो आपको दो तरह के सब्जेक्ट नज़र आते हैं एक इस तरह के मदम से हैं डिसेबल से हैं वहाँ पर डाटा अवेलेबल नहीं है और जैसे ही यहाँ पे कर्सर लेके आते हैं वो कर्सर की शेप भी चेंज हो जाती है और दूसरे अवेलेबल हैं आप उसके ऊपर जब जाते हैं तो आ, जो कर्सर है उसको चेंज हो जाती है उसकी शेप और क्लिक भी होता है वहाँ पे तो ये इस तरह के जो हैं ये भी कल तक या परसों तक अपडेट हो जाएंगे तो परेशानी वाली बात नहीं है कोई भी अब आ जाएँ किसी एक को टारगेट करते हैं हम एल एम सब्जेक्ट को और फिर उसमें से देखते हैं क्लास कैसे लेनी है हम हमारे सामने हैं इंग्लिश 513 वन थ्री लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स ये नाम है इस सब्जेक्ट का इसके नीचे थ्री कराटावरस हैं लिखे हुए और यहाँ पे जो हमारी प्रोफेसर हैं वो उनका आ, प्रोफाइल फ़ोटो नज़र आ रहा है और साथ में उनकी एजुकेशन है डॉक्टर सरवत्र सोल पी एच डी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस यहाँ पर पी एच डी इन्होंने की हुई है हाईली क्वालिफाइड स्टाफ आपको जो लेक्चर्स है वो देता है अब नीचे आ जाएँ तो असाइनमेंट्स जी डी वी का बटन है उसके बाद क्विज़ का है उसके बाद एक्टिविटीज़ है सबसे जो इम्पोर्टेंट है इन सब चीज़ों में वो यहाँ पर अनाउंसमेंट्स हैं तो मैं आपको शुरू से बता देता हूँ जो लेक्चर्स जो वीडियो मेरी पूरी देख रहे हैं ये अनाउंसमेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं इसलिए हर अनाउंसमेंट्स को आपने अलग अलग से रीड करना है किसी एक अनाउंसमेंट को आपने ये नहीं समझना कि ये वाली मैंने फाइव वन थ्री की पढ़ ली थी तो वो सेम एज़ यहाँ पे भी होगा हर सब्जेक्ट के अलग अनाउंसमेंट्स हैं अलग टीचर हैं उन्होंने क्या बताना है वो आपको यहाँ पे बताएंगे सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अनाउंसमेंट्स और अनाउंसमेंट्स अगर इस पेज के ऊपर आए तो पता चलता है यहाँ कुछ भी नहीं है ऐसा नहीं है आपने इस बटन को क्लिक करना है और यहाँ पे देखें तो उन्होंने कहा है डियर स्टूडेंट्स वी कॉडली वेलकम्स यू टू कोर्स और यहाँ पे उन्होंने वेलकम uh, किया गया है और फॉर क्वेरी सजेशन रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट्स प्लीज़ यूटिलाइज़ द ट्रैकिंग सिस्टम टिकटिंग सिस्टम अच्छा ये भी बता देंगे आपको टिकट सिस्टम क्या होता है और दूसरा यहाँ पे एम डी बी का भी उन्होंने बता दिया कि किस तरह आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं बात कर सकते हैं क्या अगर वो कुछ मजीद आपसे कहना चाहते हैं तो किस तरह कर सकते हैं यहाँ पे देखिए तो लोड मोर है इसको क्लिक करके देख लेते हैं नहीं ऐसा है, मज़ीद कुछ नहीं डाटा तो ये हम वापस आ गए हैं और इस तरह हमने जो पहली अनाउंसमेंट्स थी वो भी रीड कर ली कि टीचर्स ने क्या कहा है हमें एक तो वेलकम कहा है और दूसरा अगर आप इस टीचर से इंग्लिश 513 वाले से कुछ पूछना चाहते हैं तो दो तरीके हैं टिकट सिस्टम और एम वापस यहाँ से चलते हैं और ये हमने अनाउंसमेंट्स रीड कर ली फाइव वन थर्टी की और हमें आइडिया हो गया अब आ जाएँ हमने लेक्चर शुरू करना है तो लेक्चर शुरू करने के लिए सब पहले क्या करना है और यहाँ पे एक नंबर चल रहा है ना इसका मतलब है कि आज के दिन तक इस सब्जेक्ट का एक ही लेकिन जो लेक्चर है वो चला है क्लिक करते हैं यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे उस सब्जेक्ट के नाम को तो फिर इस तरह की इंटरफेस नज़र आएगी आपको और वीक आपको यहाँ पे नज़र आएंगे और सबसे पहले आपने वीक वन को क्लिक करना है और ऊपर एक नोट लिखा हुआ यू हैव टू कम्प्लीट ए लेसन टॉपिक बिफोर यू गो टू द नेक्स्ट वन इस तरह की स्टेटमेंट जब आप के किसी भी लेसन के स्टार्ट में आ जाए तो फिर समझ लें कि उसको देखेंगे तो अगला ओपन होगा तो चलते हैं पहला लेक्चर लेने के लिए वीक वन आज से स्टार्ट हुआ है तो हम वीक वन को क्लिक करेंगे और उसके बाद देखें तो हमें जो लिस्ट नज़र आती है उसमें पहला जो लेसन है उसका कलर कुछ और है यहाँ पे क्लिक भी हो रहा है लेकिन जैसे दूसरे के ऊपर आते हैं तो उसके ऊपर क्लिक नहीं हो रहा नीचे ओपन लिखा हुआ है साथ में थ्री का नंबर है और जो टाइम है इसका दिया हुआ दस मिनट और अट्ठावन सेकेंड तो उसके बाद इसमें दो चीज़ें यहाँ पे वीडियो का एक आइकॉन बना हुआ है और साथ में उसके एक रीडिंग कंटेंट है यानी दो चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं और देख लेते हैं कि ये पहले के अंदर ये सारी चीजें क्या है तो हमने पहला लेसन देखना है आज का तो डिफाइनिंग uh, लैंग्वेज इसको क्लिक करेंगे तो हमारा जो वीडियो है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। एंड मैंने इसकी वॉइस बंद कर दी है और हम यहाँ पे इंटरफेस के ऊपर देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं यहाँ पे देखें तो हमारा जो लेस ये सब्जेक्ट है इंग्लिश फाइव ज़ीरो थ्री फाइव वन थ्री लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स उसका नाम है उसके नीचे लेसन्स वन डिफ़ाइनिंग लैंग्वेज उसका टॉपिक है और यहाँ पर नीचे यू हैव टू कम्प्लीट ए टैब बिफोर गो टू नेक्स्ट वन अब टैब क्या होता है यहाँ पे एक टैब है और एक यहाँ पे टैब है वो कहते हैं कि जब आपने अगले टैब के ऊपर जाना है तो फिर पिछले टैब को कंप्लीट कर लीजिएगा और सेम एज़ नीचे वीडियो चल रही है और यहाँ पे आ जाएँ तो आपको यहाँ पे टाइम चल रहा है और साथ में लिखा हुआ है क्रॉस का निशान है और नाट लिखा हुआ है नाट व्यूड अब देखते हैं कि ये व्यूड कब होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि आप इस टैब को कंप्लीट करेंगे तो फिर नेक्स्ट होगा आपका टैब ओपन होगा और यहाँ पे देखें जब आप इस रीडिंग के ऊपर आते हैं तो वो कर्सर काम नहीं करता इसका मतलब है कि वो डिसेबल है अब इस, इसको इनेबल करने के लिए आपने इसको क्लिन कम्प्लीट करना है और कम्प्लीट का जो मैसेज है वो यहाँ पर आ जाएगा और आप अब आप, आप सुनेंगे इसको और यह मैं बता दूँ कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि लेक्चर्स को प्ले करके आप इसको मिनिमाइज़ कर दें और आप उसके बाद कुछ और देखना शुरू कर दें यहाँ पे देखें हम वीडियोस देख रहे थे और साथ में ही ये देखते हुए तकरीबन कोई एक मिनट तीस सेकंड के बाद व्यू कर आ, बटन यहाँ पे लग गया है ओके हो गया है और अब ये साथ वाला जो टैब है ये भी ओपन हो गया हम रीडिंग के ऊपर भी अब जा सकते हैं इसके ऊपर भी टाइम हो चल रहा है लोडिंग और यहाँ पर देखें ये कम्प्लीट हो गया है तो इस तरह हमारा जो लेसन वन है वो कम्प्लीट हो गया अब आपने इसको सुनना है सारा जाहिर है जो यहाँ पर बताया गया था वो आप अगर कम्प्लीट सुनेंगे तो आपको समझ आएगी और इसके नीचे अगर हमने आप चाहते हैं कि इनसे मैं कुछ पूछूँ लेक्चर सुनने के बाद रिलेटेड टू स्टडी पूछेगा फजूल बातें ना पूछेगा यहाँ पर तो यहाँ पे बिल्कुल नीचे मॉडर्न डिस्कशन बोर्ड ओपन है और यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे आप लिखेंगे और यहाँ पे आप सेंड कर देंगे तो आपका आंसर भी यहाँ पे आ जाएगा जैसे यहाँ पे कुछ लोगों ने पूछा हुआ है व्हाट इज़ इम्प्लिसिटी एंड एक्सप्लीसिटी लैंग्वेज और uh, अगले ने पूछा है साइको एनालिस्ट मीन्स और उसके अगले बाद बंदे ने सलाम किया हुआ है बस ठीक है तो बिला वजह की बात नहीं पूछनी रेलिवेंट हो आपका क्वेश्चन अच्छा होना चाहिए ताकि जैसे हम यहाँ पे दूसरों के सवाल देख रहे हैं आपके सवाल भी देखे जाएंगे और उसका जो जवाब होगा वो दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद होगा तो इस तरह आप लेसनस कम्प्लीट करेंगे और उसके बाद अगर हम जाना चाहें इस बटन से तो हम अगले लेसन के ऊपर भी जा सकते हैं यहाँ पे यह बटन काम नहीं कर रहा इसकी वजह ठीक है अब ये दूसरा ओपन हो गया और यहाँ पे देखें जैसे लेसन वन था फिर अब लेसन टू हो गया सम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स लैंग्वेज या सिस्टम्स वो सेम एज़ नीचे वीडियो का बटन है और साथ टैब है और रीडिंग का टैब है इसके बाद यहाँ पे नाट व्यूड है और यहाँ पे टाइम चलना स्टार्ट हो चुका है वीडियो प्ले और देखते हैं कि हमारा जो जो नाट व्यूड है ये कितने सेकंड के बाद व्यूड हो जाता है और यहाँ पे देखें जो जो रूल्स है वो कम से कम ये है कि मिनिमम 25 परसेंट ऑफ वीडियो वाच विल बी कंसिडर एज व्यूड टोटल वीडियो का टाइम यहाँ पे है सात मिनट चौबीस सेकंड तो इसका 25 परसेंट टाइम अगर गुजर जाता है तो यहाँ पे व्यू आता जाएगा मैं आपके सामने दो लेक्चर्स कम्प्लीट करूँगा फिर आपको बताऊँगा कि अटेंडेंस किस तरह लेनी है अब दूसरी चीज़ यहाँ पे होती है कि वीडियो लेसन हैं और साथ में अगला जो रीडिंग मटेरियल होगा इसके हवाले से तो अगर सारी की सारी बुक आपको एक साथ चाहिए तो वो भी आपको बताता हूँ कि आपने डाउनलोड कैसे करनी है ये लेसन कम्प्लीट हो जाए हम फिर अगले टॉपिक के ऊपर जाते हैं टाइम आप देखते जाएंगे सात मिनट और आठ से ट्वेंटी फोर सेकेंड्स हैं अगर हम इसका मतलब लेंगे आठ मिनट हैं तो दो मिनट कम अज़ कम चलेगा तो ये आ, जो टैब है व्यूड आ जाएगा और उसके ऊपर ग्रीन टेक लग जाएगी इसी को हाजिरी कहते हैं और ये होता है कि जब तक आप लैसेंस को कंप्लीट नहीं करेंगे अगला लाइसेंस ओपन होगा ही नहीं और आपने ये मत कहिएगा कि मेरा तो कोई लेक्चर ही ओपन नहीं है इसमें गलती इस सरासर आपकी होगी कि आपने लाइसेंस को स्टार्ट ही नहीं किया उसको कंप्लीट नहीं किया उसके जितने भी टैब थे और जब आप टैब कम्प्लीट करते जाएंगे तो अगले लाइसेंस ख़ुद बहुत ओपन होते जाएंगे यहाँ पे हम देख रहे हैं यंग ये देखें जी ग्रीन टिक और उसके बाद रीडिंग टैब भी ओपन हो चुका है यहाँ पे दो सेकंड का टाइम होता है तो ये भी कंप्लीट हो गया इस तरह दो लेसन हमने कंप्लीट किए हैं और अब मैं आपको बताऊँ वापस चलते हैं अब यहाँ पर और वीक वन को कम्प्लीट करते हैं और यहाँ पर देखें तो यहाँ पे भी ग्रीन टिक लग गया है और यहाँ पे भी ग्रीन टिक लग गया है और इसके साथ ही जब हम यहाँ पे शुरू में आए थे तो सिर्फ एक जो हमारा लेसन था वो इनेबल था अगले जो वो दोनों डिसेबल थे तो इस तरह जब हमने इसको कम्प्लीट किया तो ये भी ओपन हो गया फिर इसको कम्प्लीट किया तो अब थर्ड भी ओपन हो चुका है इस तरह आप शेड्यूल जो है अपना कंप्लीट करते जाएंगे एक लेवल है गेम की तरह जैसे आप गेम में पहला लेवल अप करते हैं तो फिर अगला लेवल ऑन हो जाता है ओपन हो जाता है अब आज इलेक्सनस हो गए आपके वीडियोस आपने देख ली अब आपको चाहिए इंग्लिश फाइव वन थर्टी का जो पीडीएफ है यानी कि एक ही आपको सारे जो जितने भी लेसन्स हैं पंद्रह चौदह वीक के वो आपको एक एक पी फ़ाइल में मिल जाएँ तो कितना अच्छा हो जाए उसके लिए आपने यहाँ पर डाउनलोड फ़ाइल में जाना है और फिर यहाँ पे देखें तो आपको ऊपर भी हो सकते हैं नीचे भी हो सकते हैं बहुत सारी हेल्पफुल बुक्स भी यहाँ आपको मिल जाएंगी लेकिन कोशिश करनी है कि आप जो पीडीएफ फ़ाइल है और साथ में लिखा हुआ है आउट्स तो वो आप डाउनलोड कर लें इंग्लिश 513 वन थ्री हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारे पास ये बुक डाउनलोड हो जाएगी इस तरह आप अपने जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है उसमें फोल्डर बना के आप रख लें और हर फोल्डर का एक नाम हो ये देखें लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स और उसके बाद जो पहला टॉपिक था हमारा डिफ़ाइनिंग लैंग्वेज लर्निंग और दूसरा टॉपिक था सम थ्योरेटिकल कन्सेप्ट लैंग्वेज सिस्टम हमने इनको सुना भी है अभी आपके सामने और उसके बाद जो हमारा जो बाकी तीन बजेंगे इसी तरह लेसन वन के अंदर हमारे जो टॉपिक्स हैं वो पाँच वो कवर हो जाएंगे अब याद रखेंगे जो लेसनस हैं छोटे छोटे उनका जो टाइम है वो कम होता है और जो लेसनस होता है लेक्चर होता है उसका 40-50 मिनट का सिर्फ एक ही होता है इस तरह आप बुक डाउनलोड कर सकते हैं तो इस तरह आपने जो यहाँ पे मैंने आपको दो चीज़ें बता दी हैं इंग्लिश फाइव वन थर्टी की वीडियोस कैसे देखनी है और आपने उसकी जो बुक है वो कैसे डाउनलोड करनी है यहाँ पे देखें जब स्टार्ट में आया था तो यहाँ पे एक लिखा हुआ था अब इसका मतलब है कि हमने इसके तीन लेसन हमारे ओपन कर लिए हैं अब इसी तरह अगर बाकियों में आए यहाँ पर तीन ऑलरेडी ओपन है यहाँ पर वन ओपन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वन ही ओपन है जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था तो इसका मतलब है कि एक ओपन है बाकी हमने खुद करने हैं तो इसलिए अब हम इसको क्लिक करके भी अंदर जा सकते हैं और यहाँ पे भी अगर हम इसके नाम को क्लिक करें 519 यानी पाँच को तो भी इसके अंदर हम जा सकते हैं और सेम एज़ यहाँ पे देखें टू हैव टू कम्प्लीट ए लेसन टॉपिक बिफोर टू गो टू द नेक्स्ट वन सेमेस्टर जो वीक वन है हमारा उसमें ओवरव्यू ओपन है और uh, इसको हम क्लिक करेंगे तो फिर वो ओपन हो जाएगी वीडियो सेम एज़ और इसमें भी दो टैब हैं वीडियोज़ का टैब है और साथ में रीडिंग का टैब है अब वीडियो का टैब कंप्लीट कर लेंगे सुनने के बाद फिर आपका जो रीडिंग टैब है वो ओपन हो जाएगा और देन आपका जो यहाँ पे जो टैप आपका लेसन नंबर टू है वो डेफिनेशनस डिफ, वो ओपन हो जाएगा इसको कंप्लीट करेंगे तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ओपन हो जाएगा इस तरह आप अपनी क्लासेस ले सकते हैं अब मैं वापस चलता हूँ यहाँ से और हम आ जाते हैं होम पेज के ऊपर तो इस तरह आप क्लासें स्टार्ट करेंगे लेनी और हर अनाउंसमेंट्स को गौर से पढ़ेंगे अब जो सेकंड चीज़ है कि अटेंडेंस हाजिरी कैसे लगनी है अब मैंने ग्रीन टेक का आपको बता दिया पिछली मेरी जो वीडियो थी स्टूडेंट देख रहे थे क्लासेस वाली उसमें कह रहे थे कि ग्रीन टेक नहीं लगता तो मैंने आपको ग्रीन टेक भी लगा के दिखा दिया और अटेंडेंस की तरफ आ जाए कि अटेंडेंस अब किस तरह होगी सारे स्टूडेंट्स मैं एल एक एग्जाम्पल के लिए इस्तेमाल करता हूँ किसी भी स्टूडेंट का लेकिन हर स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट खुद सेलेक्ट करेगा चेक करेगा और किस किस में अटेंडेंस होगी वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ तो इस वक्त अगर हम आगोर से देखें तो हमारे पास इंग्लिश 510, 512, 513, 517, 519, 520 ये सब्जेक्ट हमारे साथ आ, हमारे पास शामिल हो रहे हैं और इंग्लिश 524 भी अब ये सारे साथ के साथ सब्जेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि इनकी अटेंडेंस किस किस की होगी आपने आ जाना है प्रोग्रेस में ये बिल्कुल होम बटन के नीचे प्रोग्रेस में आ जाएं और इसके बाद यहाँ पे ऊपर आपको नाम नज़र आएंगे 510, 512, 513 और जिसके ऊपर क्लिक किया होगा एक्टिव होगा बटन वो इसका कलर चेंज होगा इसको क्लिक करेंगे तो वो अगली चीज़ आ जाएगी और उसका कलर चेंज हो जाएगा और साथ में उसका जो डाटा है वो भी ओपन हो जाएगा तो हम यहाँ से पहले चेक कर लेते हैं अटेंडेंस के हवाले से पाँच को क्लिक करते हैं और देखते हैं कि नीचे क्या डाटा अवेलेबल है अब यहाँ पे देखें तो ये एक अटेंडेंस ओवरऑल नज़र आ रही एक बार है आ, सर्कल के शेप में एक बनाई हुई है और उसके बाद आ जाए वीक वाइज अटेंडेंस वीक वन अभी हमने सिर्फ इसका आ, कोई लेसन्स नहीं देखा ठीक है वो यहाँ पे अबसेंट लिखा हुआ है जैसे इसके लेसन देख लेंगे और हमारा जो यहाँ पे अटेंडेंस है वो प्रेजेंट लिखा हुआ आ जाएगा और ये अटेंडेंस का मेथड है कि आपने वीडियोस को देखना है कंप्लीट तो सीक्वेंस के साथ उसमें जितने टैप है कंप्लीट करते जाएंगे तो आपका जो अब ये अटेंडेंस है वो लगती जाएगी 510 में अटेंडेंस लगवानी है हमने याद रखिए कि आपने अपने सब्जेक्ट इसी तरह आके चेक करने प्रोग्रेस के ऊपर आके उसके बाद आ जाए पाँच में ठीक है पाँच में हमें कोई अटेंडेंस अभी तक फॉर्न नहीं हो रही ठीक है तो इस तरीके की भी वीडियो भी हमें देखना पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है वीक वाइज अटेंडेंस पाँच सौ चेक करते हैं यहाँ पे देखें पाँच सौ तेरह भी हमने दो लेसन उसके सुने हैं और उसमें प्रेजेंट हमारा लगा हुआ है यहाँ देखें आके ये देखिए बाकियों में अभी अबसेंट है और वीक वन में हमारी प्रेजेंट लगी है क्यों नहीं क्योंकि हमने अभी आपके सामने उसके तीन लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं तो इसके बाद पाँच सौ सत्रह को चेक करते हैं पाँच सौ सत्रह में अटेंडेंस का कोई यहाँ पे जिक्र नहीं है इसका मतलब है कि पाँच सौ सत्रह में जो वीडियोज़ हैं उनको ग्रीन टिक लगाना अटेंडेंस के लिए इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है आप उसको अपने नॉलेज के लिए तैयारी के लिए पढ़ेंगे सुनेंगे पाँच सौ उन्नीस को चेक कर लेते हैं पाँच सौ उन्नीस में भी सेम एज मेथड है वीक वाइज अटेंडेंस लिखा हुआ है और यहाँ पर एक टेबल की शेप में है वीक वन और अटेंडेंस एबसेंट तो पाँच सौ उन्नीस में भी अटेंडेंस लगेगी पाँच सौ बीस को चेक कर लेते हैं सेम एज़ इसमें अटेंडेंस नहीं होगी यानी वीडियोज़ को उसी लिहाज से देखना कि वो ग्रीन टिक लगे और अटेंडेंस काउंट हो यहाँ पे 520 में भी नहीं है 524 को देख लेते हैं तो यहाँ पे भी अटेंडेंस लगेगी तो यहाँ पे हमारे को तीन सब्जेक्ट साथ में से शो हुए हैं जिसमें अटेंडेंस लगनी है लेक्चर्स देखने हैं हर हाल में लाजमी है अगर नहीं देखेंगे तो आगे नहीं बढ़ा जाएगा और ये अफेक्ट करेगा आपकी अटेंडेंस को आपकी क्वीज़ को आपकी असाइनमेंट्स को तो इस तरह आप अपने जो सब्जेक्ट्स हैं वो चेक कर सकते हैं हर स्टूडेंट अपने चेक करेगा इस वीडियो को सिर्फ़ आपने लर्निंग के लिए देखना है एक तरीका कार समझने के लिए देखना है बाकी आपने अटेंडेंस वगैरह अपने सब्जेक्ट के हिसाब से चेक कर लेनी है प्रोग्रेस में जा के और फिर उसको देखना है अब अगर हम पाँच सौ बीस के ऊपर आएँ तो यहाँ पे जैसे कोई कोई अटेंडेंस वगैरह का जिक्र नहीं है तो जाके हम जरा इसको चेक कर लेते हैं पाँच सौ बीस को ये हमारा पाँच सौ उन्नीस और ये पाँच सौ बीस इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखें कि ऑलरेडी जो तीन लेसन हैं वो ओपन हैं और ना ही कोई ग्रीन टेक का मसला है और ना ही कोई चीज़ और पूरा जो आ, वीक है बल्कि वीक क्या है कि पूरे के पूरे लेसन हमारे पास फोटी फाइव या कितने भी हैं वो सारे के सारे ओपन है यहाँ पे देखें हम किसी को भी क्लिक करके सुन सकते हैं तो इस वक्त मैंने जो लेसन है एटी सिक्स ओपन कर लिया है तो जो पहले अटेंडेंस वाले थे वो सीक्वेंस के साथ चल रहे थे यानी वो पहला ओपन करो तो दूसरा होगा दूसरा करो तो तीसरा होगा तो यहाँ पर अटेंडेंस नहीं होगी वो आप किसी भी जाके लाइसेंस को ओपन करके देख सकते हैं यहाँ से वापस चलते हैं होम पेज के ऊपर तो इस तरह मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया कि अटेंडेंस वाले सब्जेक्ट में किस तरह के आपको शेड्यूल नज़र आएगा और जो बग़ैर अटेंडेंस के हैं उसमें किस तरह नज़र आएगा तो ये थी आज की वीडियो क्लासेस के वाले से कि क्लास कैसे लगनी है और हाज़री कैसे होनी है मज़ीद इसके ऊपर बात कर लेंगे आश, तफसील के साथ कुछ और चीज़ें और फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपने इस जो सब्जेक्ट आपके होंगे उसके हैंड रोट्स कहाँ से डाउनलोड करने हैं पाँच सौ जो आती तेरह था वो मैंने आपको डाउनलोड करके दिखाया अब हम आपको फॉर एग्जांपल मैं पाँच सौ चौबीस का भी दिखा देता हूँ दोबारा से इसको क्लिक करेंगे उसके नाम को उसके बाद हमें बिल्कुल यहाँ पर आना है डाउनलोड फ़ाइल में और फिर यहाँ पर देखें तो हमें कुछ फ़ाइल्स नज़र आती हैं जिसमें स्पेशली हमने इंतख करना है जो जिसके साथ हैंड आउट लिखा हो अभी यहाँ पे दो फाइलें हैं इंग्लिश फ़ाइव टू फोर हैंड आउट्स और इंग्लिश फ़ाइव टू फोर कम्प्लीट हैंड आउट हम कम्प्लीट को डाउनलोड कर लेते हैं और ये फ़ाइल हमारी डाउनलोड हो रही है और ये डाउनलोड होगी इसको ओपन करके देख लेते हैं ये आपकी फ़ाइल हो गई डाउनलोड इस तरह आपने अपने लैपटॉप में अपने कंप्यूटर में ये डाउनलोड करके रख लेनी है और हर सब्जेक्ट का एक अलग से फोल्डर बना के रखना है और ये इस तरह आप इसको तैयारी कर सकते हैं और यहाँ पे दो चीज़ें वाजे हो गई कि आपको तैयारी के लिए जो वीडियोस भी अवेलेबल हैं और साथ में आपके हैंड ऑट्स भी अवेलेबल हैं आप हैंड ऑट्स सारे डाउनलोड करके रखें अपने मोबाइल में अपने लैपटॉप में जब भी टाइम मिले आपको पढ़ें और साथ साथ अपने जो अटेंडेंस वाले लेसनस हैं वो भी देखें और जिनकी अटेंडेंस नहीं है वो भी देखें क्योंकि वीडियोज़ में जो कन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे वो किसी और तरीके से नहीं हो सकते और ज़रूरी बात यह है कि आप अगर हमें इसको देखें तो यहाँ पे जो एक टीचर्स हैं वो दो सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं हमने देखा था डॉक्टर सरवत रसूल पीएचडी हैं और ये अभी शो नहीं हो रहा उसके बाद यहाँ पे आएँ तो अमेर जमशेद हैं एम फिल लिंग्विस्टिक हैं और कहाँ से हैं फाउंडेशन यूनिवर्सिटी स्कूल एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद ठीक है एम फिल किया हुआ है यहाँ पे आ जाएँ साकिब मोहम्मद गुराया पी एच डी टॉसल्स हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ हंडसफेल ये कोई बाहर की यूनिवर्सिटी है वहाँ से हैं डॉक्टर नासर महमे पी एच डी हैं और ये कहाँ से हैं तो यूनाइटेड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी टोक्यो जापान से पढ़े हुए हैं और उसके बाद आप आ जाएँ इनके बारे में डॉक्टर मोहम्मद इस्लाम पी एच डी आपको यहाँ पर देखें कि सात बुक्स हैं और सिर्फ एक पर्सन ऐसे हैं जिनका एम फिल है बाकी सारे के सारे पी एच डी हैं तो ज़ाहिर है इनका जो लेसन होगा इनका जो लैक्चर्स होगा उसका एक स्टैंडर्ड होगा एक लेवल होगा तो लाजमी सुने और यही सबसे बेहतर तरीका है अपनी एजुकेशन को स्ट्रॉग करने का अपने कंसेप्ट बेहतरीन बनाने का और अच्छे नंबर हासिल करने का तो होपफुली ये चीज़ें अब आपको समझ आ गई होंगी कि भाई क्लासें कैसे लेनी हैं और हाज़िरी कैसे होगी और यहाँ पे जाते जाते मैं बात बता दूँ कि अगर किसी ने अभी तक नहीं कोई भी लेसन लिया तो कोई मसला नहीं है ये आपके लिए अवेलेबल हैं पूरा वीक और वीक से बाद भी अवेलेबल हैं आप आज स्टार्ट कर लें कल स्टार्ट कर लें और जब भी आप स्टार्ट करें अच्छे से स्टार्ट करें और साथ साथ करते जाएंगे तो बर्डन नहीं बढ़ेगा आपका और थोड़ी थोड़ी चीज़ों को करना भी आसान हो जाता है तो बाकी इनशाला आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कुछ मजीद आपके जहन में चीज़ें आती हैं तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा इनशाला रिप्लाई करेंगे और जाते जाते अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ था तो जाते जाते वीडियो ख़त्म होने से पहले सब्सक्राइब कर लें बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो तक आप हाँ तक लाजमी आती जाए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़